के गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल होगा यश का नाम? कैसे कहानी का एंड होगा दर्दनाक? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। केजीएफ 2 एक ऐसी फिल्म है जिसका जिक्र हर कोई डेली किसी न किसी बात को लेकर छेड़ ही देता है, फिर चाहे वो यश के लुक्स को लेकर हो, फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर हो या फिल्म के विलन अधीरा की बात हो। ऐसे में आपको बता दें, ये फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो भी एक नहीं बल्कि 4 भाषाओं में, जो हैं मलयालम, तेलुगु, तमिल और हिंदी में डब होंगी। इस फिल्म में रॉकी एक गरीब रॉकी से कैसे एक गैंगस्टर रॉकी भाई बनता है उसकी कहानी कोलार गोल्ड फील्ड के पैरेलल में दिखाई जाएगी और आने वाली केजीएफ 2 में एक बड़े गैंगस्टर बने रॉकी भाई की टक्कर दिखाई जाएगी अधीरा से, और साथ ही इस बार पॉलिटिक्स का जबरदस्त इंटरफेरेंस भी दिखेगा जो फिल्म में काफी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ऐसे में जनता के लिए स्टोरी वाइज ये कहानी बहुत ज्यादा नई नहीं है, लेकिन हम बस रॉकी के किरदार को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें एक गरीबी से उठा लड़का कैसे पूरे शहर पर राज करता है, वो भी एक गैंगस्टर बनकर। फिर चाहे वह अमिताभ बच्चन की सरकार हो जिसमें मुजरिम भी वही, जज भी वही, सरकार भी वही और सबका अधिकार भी उसी के हाथों रहा। ऐसी ही एक थी SRK की रहीस, जो बड़े पर्दे पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन जॉन की एक फिल्म शूट आउट एट बटाला की कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया था। उसमें एक कहानी थी अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें छोटे गांव के गुंडे राज की एक बड़ी झलक दिखाई गई है और ये कहानी भी एक असल जिंदगी पर बेस थी जैसे KGF की कहानी बताई जाती है। इन सभी के अलावा इंडस्ट्री में सत्य वास्तव, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अग्निपथ, परिंदा जैसी तमाम ऐसी फिल्में रही हैं जिसने बड़े पर्दे पर गैंगस्टर की एक अनोखी कहानी सबको दिखाई। और इन सभी फिल्मों की खासियत ये थी कि इन फिल्मों के नायक ही फिल्म के खलनायक भी थे और इन्हें ग्रे शेड कैरेक्टर कहते हैं, जैसे कि हमें KGF की फिल्म में यश का किरदार दिखा जिसका मकसद अच्छा है लेकिन तरीका थोड़ा गलत। पर अपनों की मदद के लिए किसी को भी हथियार और आवाज दोनों उठानी पड़ती हैं और जब जब ऐसा होता है तब तब कोई ना कोई सत्य रॉकी जैसा खड़ा होता ही है। ऐसे में इन फिल्मों की कहानियों का एंड काफी दर्दनाक और रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया कि सबकी आंखें नम हो गई, और ऐसा ही कुछ होगा हमारी आने वाली फिल्म KGF 2 के एंड के साथ भी, जिसमें रॉकी भाई मर जाएंगे लेकिन अपना वादा जो उन्होंने सभी KGF वालों से किया था उसे पूरा करके ही आखिरी सांस लेते दिखेंगे। ऐसे में KGF 1 के बाद से देखा गया है कि हर जगह यश की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो ऐसे में अब इन लिस्ट में यश का नाम भी आने वाले सालों में गिना जाएगा। देखते हैं आने वाला सीक्वल क्या नया और धमाकेदार लाता है। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है स्नेहा सिंह।